में महिला के साथ अत्याचार की घटना सामने आई। महिला की हालत गंभीर होने से पीड़ित महिला को नागपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने पीड़ित महिला की पूछताछ की, जिसके बाद आयोजित पत्र परिषद में संवाद साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट होना जरूरी है। भंडारा गोंदिया में 3 जुलाई को महिला के साथ दुष्कर्म करने की दर्दनाक घटना सामने आई है। पीड़िता के साथ लगातार 2 दिन दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद महिला सड़क पर बुरी हालत में गांववासियों को दिखाई दी। महिला की हालत गंभीर होने से पुलिस ने पीड़िता को नागपुर के GMC अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। आज महिला का एक ऑपरेशन भी किया गया है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ आज पीड़िता से मिलकर घटना की जानकारी ली, साथ ही GMC के डीन एवं डॉक्टरों से पीड़िता के हालत की जानकारी ली। कन्नाड मोहा गांव के बाजू में जो जंगल है और गोंदिया के मुर्दोली के जंगल में उस महिला को वहां पे दबोच के रखा गया। 2 तारीख की सुबह में एक महिला रास्ते पे पड़ी हुई लोगों को दिखी, उन्होंने पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म किया। उसके बाद तुरंत उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्रिटिकल थी। उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में भेजा गया, जहाँ पे डॉक्टर मानसी श्रीगिरिवार और डॉक्टर कांचन गोलावार, इन 2 डॉक्टर और उनकी पूरी टीम ने महिला का उपचार किया। एक बहुत बड़ी सर्जरी महिला के ऊपर हुई है और उसके रिकवर होने के बाद शायद उसे 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, और एक बड़ी सर्जरी होने वाली है, ऐसा डॉक्टर ने हमें कहा है। इस घटना में पुलिस ने अभी तक वो पीड़िता का बयान नहीं ले पाए, क्योंकि जब वो रास्ते पे पड़ी हुई थी तभी भी वो अनकॉन्शियस थी। स्टेबल होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन 2 डॉक्टरों से महिला ने जो पूरी घटना बताई, उस घटना के हिसाब से इस घटना में 3 नहीं 4 आरोपी है। पुलिस के हिसाब से भंडारा से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, गोंदिया में 1 आरोपी जो है वो फरार है और उसके लिए वहाँ पे टीम भेजी गई है और जल्द ही वो पकड़ने जाने वाला है, ऐसे उनका कहना है। इसी प्रकार अब ये जो 4था आरोपी कौन है, ये जब तक महिला को पूरी तरह से होश नहीं आता तब तक वो नहीं बता पाएगी और तब तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट भी नहीं होगा इस मामले की, क्योंकि आपको पता है हम सरकार में हैं और हम हमारी जिम्मेदारी जानते हैं। जब यह घटना हुई तभी से राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस पूरी घटना का फॉलोअप ले रहे हैं। लगातार गोंदिया और भंडारा के SP कलेक्टर साहब, उनके साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन सुपरिटेंडेंट, उनके लगातार वो संपर्क में है। पीड़िता की जो मेडिकल स्थिति है उसके ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पीड़िता को किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ले जाने की सरकार की तैयारी है। पूरी तरह से मेडिकल का जो भी वहाँ पे मेडिकल के हम क्या कहेंगे, जो भी वैद्यकीय इसके लिए जो खर्चा आएगा वो सरकार वहाँ पे उठाएगी। इतना ही नहीं, उसके ठीक होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए सरकार की मनोधैर्य योजना है, उसके तहत उसे अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सहायता भी किया जाएगा। ये उपमुख्य जिसके बाद
चित्रा वाघ इन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि पीड़िता को मनोधैर्य योजना के तहत सरकार मदद करेगी। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार से महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट की सरकार से मांग भी चित्रा वाघ इन्होंने की है। आज जिस तरह का दर्दनाक वाकया इस पीड़ित महिला के साथ हुआ है, आगे यह वाकया अन्य किसी के साथ ना हो, इसीलिए स्पेशल कोर्ट जरूरी है, ऐसा भी चित्रा वाघ इन्होंने कहा है। साथ ही इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।